हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व ज्ञान संपन्न। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे पास है एचपी का मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड माउस वायरलेस कॉम्बो है, ये कोर्डलेस कॉम्बो है ये। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं मैं आपको। पहले तो मैं बता दूं, ये मेड फॉर इंडिया है, इंग्लिश है, विथ रुपी सिम्बॉल है, इसमें रुपी सिम्बॉल दिया हुआ है। अनबॉक्स करने पर पता चल जाएगा। इसकी जो डिटेल्स है वो बता दूँ आपको, एमआरपी है इसकी 1538, 1538 रुपये का है ये। बाकी सारे टोल फ्री नंबर से सब बताए हुए हैं। 1 ईयर वारंटी के साथ आता है ये। वायरलेस कनेक्शन है, एडजस्टेबल हाइट है, ड्यूरेबल स्पिल रेसिस्टेंट डिज़ाइन है इसकी। स्पिल रेसिस्टेंट नहीं है बट डिज़ाइन है। कट कॉपी पेस्ट, ये फंक्शन कुछ यूनिक लग रहा है इसमें, हम अनबॉक्स करने पे पता चलेगा। हो सकता है इसकी अलग से बटन दियो कट एंड कॉपी पेस्ट, तो बहुत आसान हो जाएगा हमें। बहुत बार काम आता है हमें कट कॉपी पेस्ट फंक्शन। इंस्टेंट एक्सेस टू विंडोज 10। पैकेजिंग देख लीजिए इसकी, सीरियल नंबर डिटेल्स दी हुई है और यहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है। एलिमिनेटेड की स्ट्रोक, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कट कॉपी पेस्ट, इच फंक्शन हैज इट्स ओन हॉटकी। ये बहुत अच्छा फंक्शन दिया है इन्होंने। कट कॉपी पेस्ट की पर्टिकुलरली बटन दी हुई है, तो हमारा काम फास्ट होगा इससे। 3 बटन्स फॉर इजी वॉल्यूम कंट्रोल है। इंटीग्रेटेड नंबर पैड फॉर एफर्टलेस डेटा एंट्री है। एडजस्टेबल कीबोर्ड हाइट विथ 2 पोजिशंस है। वायरलेस माइक्रो रिसीवर विथ 2.4 GHz वायरलेस। द रिसीवर इज सो स्मॉल यू कैन प्लग इन एंड नेवर हैव टू टेक इट आउट। वायरलेस 3 बटन मोबाइल माउस, 1600 DPI वैल्यू का माउस है, ये भी बहुत अच्छा है। रबर साइड्स फील ग्रेट इन योर हैंड, 1 ईयर लिमिटेड वारंटी के साथ आता है। चलिए, इतनी तारीफ तो सुन ली हम, और इसे अनबॉक्स करके और देख लेते हैं। इसके जो फीचर्स जो बताए हैं इन्होंने वो कुछ यूनिक लग रहे हैं मुझे। मैंने अभी तक किसी भी कोर्डलेस कॉम्बो में नहीं देखे इतने फीचर्स। अनबॉक्स करने पर पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। इसका कोई मॉडल नेम नहीं है, मैंने सब जगह सर्च कर लिया, इसका कोई भी मॉडल नेम नहीं बता रहा है, सिर्फ एचपी मल्टीमीडिया। आप पैकेजिंग देख के और ये कीबोर्ड देख के ही अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन मंगवा लेना। ये मैं इसकी लिंक्स दे दूंगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की, उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए वीडियो। मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा, आपको सब कुछ दिखे। ये है कीबोर्ड। इससे पहले भी हमने एक कीबोर्ड माउस कॉम्बो अनबॉक्स किया था एचपी का, वो नॉर्मल कीबोर्ड था, उसमें मल्टीमीडिया कीज नहीं थी। माउस बहुत अच्छा लग रहा है इसका, ग्लॉसी फिनिश है यहाँ से, बाकी प्लास्टिक बॉडी है, ये रबर है, यहाँ से ग्रिप बनी रहेगी। माउस बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पे कनेक्ट बटन दी हुई है अलग से कनेक्ट करने के लिए, ऑन ऑफ भी दिया हुआ है, इससे आपकी बैटरी वेस्ट नहीं होगी, जब काम नहीं आता तब ऑफ कर दो। ये सेल इसके प्री इंस्टॉल्ड है, आपको रिमूव मी, जब भी आपको यूज़ करना हो तब यहाँ से आपको ये रिमूव करना होगा, तो सेल आपके यूज़ में ले सकते हो, उससे पहले ये सेल बंद किए हुए हैं। सेल हम देख लेते हैं कौन से सेल लग रहे हैं इसमें। इसमें 2 AAA सेल लगेंगे इसमें। सेल इजीली 1 ईयर चल जाएंगे, ये कंपनी बता रही है। ऑलमोस्ट ब्रांडेड कीबोर्ड माउस में चल जाते हैं 1 ईयर। ये तो हो गई माउस की बात। माउस बहुत बढ़िया है इसका, ये 2.4 GHz का वायरलेस रिसीवर है इसका, बहुत ही छोटा है, आप पीसी या लैपटॉप में इनपुट करके आप रख सकते हो, डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या कई बार बहुत बड़े बड़े जो आते हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं, कई बार वो टूट भी जाते हैं लगने से, इसकी साइज एकदम बराबर है। इसका कीबोर्ड देख लेते हैं, बड़ा ही लाइट वेट लग रहा है ये कीबोर्ड भी। बहुत अच्छा कीबोर्ड लग रहा है, बहुत लाइट वेट है, ये एक्स्ट्रा स्पेस देने से यूज में अच्छे से आ सकता है ये। और मल्टीमीडिया कीज जो दी है वो यहाँ साइड में दी है सारी कीज इस तरह से, और देख लीजिए
ये फोल्डर की है, कट कॉपी पेस्ट की बटन्स इन्होंने अलग से दी हुई है, बहुत अच्छा फंक्शंस है ये। ये कट है, कॉपी है, ये पेस्ट है, ये फोल्डर है, यूज़ करके देखना पड़ेगा इसको। और यहाँ जो है, यहाँ सारे मल्टीमीडिया कीज दी है, वॉल्यूम माइनस की, वॉल्यूम म्यूट की, वॉल्यूम प्लस करने की, पॉज प्ले पॉज स्टॉप प्ले पॉज सारी बटन्स दी है। बैक साइड से और देख लेते हैं हम इसे। यहाँ पे भी कनेक्ट की बटन दी हुई है आपको कनेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक। जब ये आप अगर यूज नहीं करोगे 2-5 मिनट कीबोर्ड या माउस, तब ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, ताकि आपके सेल लॉन्ग टाइम चले तब आपको ये बटन यूज करनी है कनेक्ट की। ये हाइट एडजस्टेबल स्ट्रैप दिया हुआ है, इसका डबल लेयर है, पहले से ये है ऊपर, इसके अलावा ये और दिया है इन्होंने। ये सेल लगाने के लिए ऑप्शन है, इसमें भी 2 AAA सेल लगेंगे और आपको ये स्ट्रैप हटानी है। एक यूजर मैनुअल दिया हुआ है, 2 यूजर मैनुअल है। यूज करने में बहुत अच्छा हो सकता है ये कीबोर्ड। मुझे तो ये कीबोर्ड और माउस बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो इसके अलावा भी मैंने कई कोर्डलेस कॉम्बोज के वीडियो, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो डाले हुए हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के एंड में आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी। इस कोर्डलेस कॉम्बो के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। उसके अलावा आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हो, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।